इतना बड़ा निर्मम हत्या 3 लोगों के द्वारा नहीं किया जा सकता है, इसमें और भी लोग शामिल हैं और इसको जो भी इसमें गुनहगार पाए जाते हैं उनको ज्यादा फांसी की सजा हो। नेतपुरा में एक पेट्रोल पंप है, वहां पर जाकर के उन लोगों ने हाथ पैर मुंह धोया, उसके साथ और 3-4-5 लोग थे, वो लोग अभी भी फरार हैं, तो प्रशासन उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और लोगों के द्वारा आ रहा है कि अभी एक भाई मरवाए हैं तो उनको भी मरवा देंगे। फोन के माध्यम से आया किस नहीं, नहीं कहीं कहीं से सुनने में आ रहा है, इसलिए हमारे घर के लोग भी हमको घर से निकलने नहीं दे रहे हैं कि इतना बड़ा सदमा जो हमारे घर में हुआ है, मेरे भी जान का खतरा है, इसलिए हम निकल नहीं पा रहे हैं। 1.5 करोड़ के करीब रुपया दिया हुआ था, उसमें 1.5 लाख रुपया देना था, जिसमें ये लोग पैसा लेकर के गए और एग्रीमेंट पेपर लेकर के गए, जो एग्रीमेंट पेपर पर उन लोगों का साइन है, तो पेमेंट देकर के एग्रीमेंट पे साइन लेकर के रजिस्ट्री का डेट लेना था और वही लेने के लिए इन लोगों ने गया और वहीं पे इन लोगों ने हत्या कर दी। पटना जिला अंतर्गत जो पुनपुन थाना है वहाँ का जो जट डुमरी हॉल्ट है, वहाँ के पास के गाँव को एक चाचा और एक भतीजा को उठाया जाता है, कहा जाता है कि परिवार वालों का कहना होता है कि अपहरण हुआ है, लेकिन पास के ही यानी पड़ोस के ही लोग मिल करके उन दोनों लोगों को धर अलग कर देते हैं, बॉडी का एक एक पार्ट अलग कर दिया जाता है और उसके बाद उनको उनका जो रूम होता है भूसा घर होता है उसमें छुपा दिया जाता है। प्रशासन और स्थानीय लोगों के सख्ती के बाद जो है वो बताता है कि हमने जो है मार करके बॉडी को जो है काट करके यहाँ छुपाया हुआ है और उसके बाद जो है वो सामने कहता है, मामला सामने ये आता है, ये पूरा मामला जो है वो जमीन से रिलेटेड था। आज उनके भाई हमारे साथ हैं और उनके भाई का कहना है कि जो स्थानीय थाना है वो सही से काम नहीं कर रहा है इस केस में। क्या आपका आरोप है, आपके भाई के साथ ये निर्मम हत्या की, क्या इसके बाद भी प्रशासन सही ढंग से जांच नहीं कर रही है? अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है उसमें 2-3-4 लोगों का गिरफ्तारी हुई है, कल एक मुन्ना यादव नाम का अपराधी जो उसमें संलिप्त था उसका भी गिरफ्तारी कल शाम को किया गया है, लेकिन इसमें और लोग भी शामिल हैं जिनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। घटना इतना बड़ा निर्मम हत्या 3 लोगों के द्वारा नहीं किया जा सकता है, इसमें और भी लोग शामिल है और इसको जो भी इसमें गुनहगार पाए जाते हैं उनको ज्यादा फांसी की सजा हो। और मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि एसपीडी ट्रायल के तहत इन लोगों को जल्द से जल्द सजा हो, प्लस और भी जांच के द्वारा जिस दिन ये घटना 4 तारीख को हुई थी उस दिन जिन इन लोगों ने पिंटू धीरज मुन्ना जो अरेस्ट होकर के गिरफ्तार हुए हैं, उन लोग ने पेट्रोल पंप, नेतपुरा में एक पेट्रोल पंप है वहाँ पर जाकर के उन लोगों ने हाथ पैर मुँह धोया, उसके साथ और 3-4-5 लोग थे, वो लोग अभी भी फरार हैं, तो प्रशासन उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रशासन क्या कह रही है और आपका और किन लोगों पर आरोप है, जो कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए इसके? इसमें कल एक मुन्ना गिरफ्तार हुआ, उसको लेकर के 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बाकी 5 लोग पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं। 5 लोग पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं। और कितने लोगों पर आपका आरोप है कि इनको भी गिरफ्तार करना चाहिए? जैसे जिस दिन घटना हुई थी 4 तारीख को, उस दिन हम लोगों ने जब जांच पड़ताल किया, जब फोन नहीं उठाने लगा था, सबसे पहले हमने पिंटू के घर पे गया, घर पे जब इंक्वायरी किया तो घर पे नहीं था, उनकी माँ उनकी पत्नी ने बोला कि नहीं मेरे पास आया था वो चला गया। फिर हम लोगों ने पूछा कि कहाँ चला गया, अभी तक आया नहीं है, फोन स्विच ऑफ बता रहा है। तब जाकर के फिर मेरे सामने ही उसके बहनोई, पिंटू जो मुख्य आरोपी है उसका बहनोई मेरे आँख के सामने से निकला है। मैंने प्रशासन से भी रिक्वेस्ट किया कि बहनोई उस समय अवेलेबल था, घटना जिस समय हुआ था उस समय वो अवेलेबल थे, उन लोग पे कार्रवाई की जाए, लेकिन उन लोग को अभी कोई पुलिस अरेस्ट नहीं की है और ना ही उन पे कोई छानबीन की है। पुलिस क्या कहती है, आप जब जाते हैं बात करने? जब मैं बात करने के लिए जाता हूँ, थानेदार का क्या नाम है? धर्मेंद्र यादव क्या कहते हैं जब आप जाते हैं? वो बोलते हैं कि कार्रवाई चल रही है, निर्मम हत्या हुई है, हम जिसमें जो लोग भी शामिल है उन लोगों को हम लोग जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके सजा दिलवाएंगे, ऐसा आश्वासन हमको दिया जाता है। क्या कोई धमकी भी आपको मिल रही है? हाँ, अभी और लोगों के द्वारा आ रहा है कि अभी एक भाई मरवाए हैं तो उनको भी मरवा देंगे। फोन के माध्यम से आया किस नहीं, नहीं कहीं कहीं से सुनने में आ रहा है, इसलिए हमारे घर के लोग भी हमको घर से निकलने नहीं दे रहे हैं कि इतना बड़ा सदमा जो हमारे घर में हुआ है, मेरे भी जान का खतरा है, इसलिए हम निकल नहीं पा रहे हैं घर से। कहीं क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उन लोग जो और लोग जो शामिल हैं उनको अरेस्ट करके और जल्द से जल्द फांसी की सजा हो।
फांसी की सजा। अच्छा एक चीज और बताइए कि ये जो हत्या हुई इसका आप लोग के नजरिए से क्या कारण रहा, क्या जमीन ही कारण रहा जो? हाँ जमीन, जमीन का पैसा देने के लिए इन लोगों ने घर से निकला था 2:30 बजे और 1.5 करोड़ के करीब रुपया दिया हुआ था, उसमें 1.5 लाख रुपया देना था, जिसमें इन लोग पैसा लेकर के गए और एग्रीमेंट पेपर लेकर के गए, जो एग्रीमेंट पेपर पर उन लोगों का साइन है, तो पेमेंट देकर के एग्रीमेंट पे साइन लेकर के रजिस्ट्री का डेट लेना था और वही लेने के लिए इन लोगों ने गया और वहीं पे इन लोगों ने हत्या कर दी। एसएसपी का भी इस मामले पर बयान आया था कि हत्या जो है जमीन को लेकर के, क्या पटना एसएसपी आपके घर के पास गए थे या उस एरिया में गए थे? नहीं अभी तक एसएसपी ना मेरे घर पे आए हैं ना उस क्षेत्र में गए हैं, कहीं नहीं गए हैं, कहीं नहीं गए, नहीं गए। थानेदार पर आपका क्या कहना है, क्या किसी प्रकार का कोई पक्षपात हो रहा है या क्या? थानेदार साहब से हमारा बात जब भी होती है तो वो बोलते हैं जितेंद्र इसमें हम अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो पटना का ये घटना है, उस पटना का घटना है जहाँ SSP बैठते हैं, 12-13 IPS हैं, उस पटना का घटना है जहाँ नीतीश कुमार खुद बैठते हैं, वहाँ एक दो बच्चों को, दो लड़कों को बुलाया जाता है, एक चाचा और एक भतीजा को, जमीन का मामला होता है, बुला करके जो है उनके बॉडी के एक एक पार्ट को अलग कर दिया जाता है और उसको भूसा के घर में भर दिया जाता है, बाद में जब पूछने पर सख्ती से पूछी जाती है तब जो है बुलाया जाता है। लेकिन समझिए कि घटना कितना निर्मम है और उसके बावजूद भी उनके जो भाई बचे हुए हैं उनको भी धमकी मिलता है कि एक भाई तुम्हारा मारा गया है, ज्यादा तुम करोगे तो तुम्हारी भी जान चली जाएगी, यानी तुम्हारी भी हत्या कर दी जाएगी। पुलिस इस मामले पर जो है जितनी उत्सुकता और जितना जो है एक्टिव होकर के काम करना चाहिए उस स्थिति से काम नहीं कर रही है। हमारा भी निवेदन है जो स्थानीय थाना है, जो थानेदार हैं, कि इस मामले को संज्ञान ले और जो भी लोग आरोपी बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।